हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप एवरीवन इज सेफ एंड हेल्दी। माय नेम इज़ मीनाक्षी जैना एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल पेपे मीनाक्षी। सो आई डू वीडियोस रिलेटेड टू फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल रिव्यूज़। सो इफ़ एनी ऑफ द टॉपिक इंटरेस्ट्स यू, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मैंने कुछ ज्वेलरीज परचेज की हैं फ्रॉम मीशो एंड अमेजोन एंड मैं आज उन्हीं का रिव्यू करूँगी। सो लेट्स से आपको किसी फंक्शन में जाना है और आप कोई हैवी सा आउटफिट नहीं कैरी करना चाहती हैं, एक मिनिमल सा आउटफिट कैरी करना चाहती हैं, तो आपको अच्छा भी दिखना है उस टाइम। सो मिनिमल सा आउटफिट के साथ ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। सो द मैजिक हेयर इज़ कि क्या होता है कि किसी भी आउटफिट को इन्हेंस आपका ज्वेलरी और आपका हेयर स्टाइल करती है। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। और आजकल वैसे भी मिनिमल का ट्रेंड चल ही रहा है। सो एक मिनिमल सा आउटफिट सेलेक्ट कर लो और उसके साथ मस्त सी कोई ज्वेलरी सेलेक्ट करके आप यू नो बहुत शानदार लग सकते हैं। और मैं तो मिनिमल पे ही बिलीव करती हूँ। मैं सॉलिड कुर्ती पहन लेती हूँ या फिर सॉलिड कलर की साड़ी पहन लेती हूँ और उसके साथ मस्त सा चंकी ज्वेलरी, कुछ भी ऐसे गोल्डन कुंदन पर्ल हूप इयररिंग्स, ऐसा नॉर्मल मिनिमल सा सेलेक्ट करके मैं खुद को तो बहुत अच्छी लगती हूँ। सो हेयर स्टाइल मैं आप पे छोड़ रही हूँ एंड फॉर ज्वेलरीज आई विल हेल्प यू। सो ये कुछ ज्वेलरीज मैंने परचेस की हैं, मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको इयररिंग्स दिखाती हूँ, देन आई विल गो टू सेट्स जो मैंने परचेस किए हैं। वो सभी इयररिंग्स के प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, ऑल्सो इनका लिंक या कोड जो भी अवेलेबल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करवा दूंगी। सो द फर्स्ट वन इज़ दिस इयररिंग, ये कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आया है, आप देख सकते हैं प्लास्टिक सा बॉक्स है। मैं आप उसको खोल के दिखाती हूँ। सो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ऑक्सीडाइज सिल्वर मटेरियल में है ये, इस पर मिरर का वर्क हुआ हुआ है। सो ये एक सिल्वर ऑक्सीडाइज इयररिंग है और नीचे के पोर्शन में झुमकियाँ हैं जो कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती हैं, और जो मोर बने हुए हैं उस पर कुंदन का वर्क है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट रियल बट या वो इस चीज़ को बहुत ही यूनिक लुक दे रहे हैं। चिकनकारी कुर्तीज़ और अनारकलीज़ के साथ ये इयररिंग बहुत ही ज़्यादा मस्त लगेगा। एंड ये इयररिंग्स बहुत ही लाइट वेटेड हैं, सो यू नो फंक्शन चाहे 3 से 4 से 5 से 6 घंटे का हो, आप इसे ईजिली पूरे फंक्शन में कैरी कर सकती हैं एंड मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। So let's move on to our second earring, which came in this packaging. ऐसे ये प्लास्टिक के बॉक्स में आया है। ये earring कुछ ऐसा है, ये भी सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड earrings हैं, इस पर भी मिरर का वर्क हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। इस इयररिंग के मिडल पार्ट में मिरर का वर्क है और ये जो नीचे लटक रहे हैं उसमें कुंदन का वर्क है। अगेन इट्स नॉट रियल, आप देख सकते हैं मैंने इस गाउन के साथ इसको कैरी किया हुआ है और ये कितना अच्छा लुक दे रहा है। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग हियर इज़ कि ऐसे ही किसी गाउन के साथ आप कैरी करें तो आपको किसी भी और एक्सेसरी की ज़रूरत नहीं है। एंड यू नो ये दिखते लाइट वेट है बट थोड़े से हेवियर साइड में है, सो यू नो 3 to 4 hour के फंक्शंस के लिए ये परफेक्ट है। एंड यू नो ये इयररिंग्स इतने यूनिक है कि आप फंक्शन में पहन के जाइए, आप ज़रूर वाह वाह बटोर के लाएंगे। सो नेक्स्ट इयररिंग्स अगेन एक ऑक्सीडाइज इयररिंग है, इस पर भी मिरर और कुंदन और ये नीचे मोती का डिटेलिंग्स हैं, सो इट लुक्स लाइक दिस। सो इस इयररिंग के ऊपर वाले पार्ट में ये एक मिरर का वर्क है और ये मिडिल पोर्शन में फेक कुंदन लगे हैं और नीचे जो है वो झुमके के फॉर्म में पर्ल्स की डिटेलिंग है।
जो कि बिल्कुल आवाज़ नहीं करती हैं, बट या ओवरऑल ये इयररिंग्स थोड़े से आवाज़ करती हैं। इस इयररिंग की यूनिक बात, इस इयररिंग का जो डिज़ाइन पैटर्न है वो है, नॉर्मली इस टाइप के डिज़ाइन पैटर्न हमें इयररिंग्स देखने को नहीं मिलते हैं। आई एम डूइंग अ लिटिल डांस हियर बिकॉज आई जस्ट लव दीज इयररिंग्स। आप इन इयररिंग्स को किसी भी एथनिक वेयर के साथ ईजिली कैरी कर सकती हैं, एंड ये थोड़े से हेवियर साइड में है, सो या स्मॉल पीरियड का फंक्शन है तो आप इसे पहन सकती हैं। नेक्स्ट जो इयररिंग है, दिस इज़ फ्रॉम ज़ावेरी पर्ल्स और ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है। ये आपने देखा ही होगा किसी ना किसी यूट्यूबर को पहने हुए, सो इट लुक्स लाइक दिस। पर्ल की डिटेलिंग है यहाँ पर, ये मिरर वर्क हुआ हुआ है, अगेन यहाँ पर मोती है, यू कैन सी। सो ये इयररिंग जो है वो गोल्डन मेटल के बेस पे है, ऊपर के पोर्शन में कुंदन है, बीच वाले पोर्शन में मोतियों की डिटेलिंग है, और जो नीचे का डोम है उस पे फेक कुंदन है, और नीचे जो है ये पीच कलर की मोतियों की डिटेलिंग्स हैं। एंड यू नो इस टाइप के इयररिंग्स जो हैं वो लहंगे और साड़ीज़ के साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे। इस इयररिंग की क्वालिटी लाजवाब है। एक्चुअली जावेरी पर्ल्स के जितने भी इयररिंग्स हैं या नेक पीसेज हैं या सेट्स हैं जो भी हैं वो बहुत ही मस्त क्वालिटी के होते हैं। ये इयररिंग्स भी थोड़े से हैवी साइड में हैं, सो यू नो छोटा मोटा फंक्शन हो या एज वेडिंग गेस्ट किसी के यहाँ जा रहे हैं तो आप इसको डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं, एंड इट विल रॉक योर लुक। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू माई सेट्स। सो ये जो पहला सेट है वो कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं, कुंदन एंड पर्ल का वर्क है और ये गोल्डन डिटेलिंग्स हैं इस पे, और ये उसके इयररिंग्स हैं जो मैंने पहन ही रखे हैं। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दिस इज लुकिंग। गोल्डन मेटल के बेस पे ये लीफ पैटर्न का कुंदन और पर्ल का जो कॉम्बिनेशन का ये सेट बनाया हुआ है, ये बहुत ही रॉयल लुक देता है। और ये जो सेट है आप इजीली साड़ीज़, गाउन्स, कुर्तीज़, लहंगास सब के साथ कैरी कर सकते हैं, इतना वर्सेटाइल पीस है ये। मैंने बहुत बड़े बड़े फंक्शंस अटेंड किए हैं और ये गले में बिल्कुल भी नहीं चुभता है, मतलब इरिटेट बिल्कुल भी नहीं करता है, और इयररिंग्स स्टड इयररिंग्स हैं, सो यू नो पूरे दिन आप इसे इजीली कैरी कर सकती हैं, और आपको इतने लो प्राइस में इतना बढ़िया लुक मिल रहा है और क्या चाहिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये भी इस तरीके के प्लास्टिक पैकेजिंग में आया है, आप देख सकते हैं। नो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये जो इयररिंग्स हैं ये कुछ इस टाइप की हैं, गोल्डन वर्क हुआ है और इसमें कुंदन का वर्क है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ये मांग टीका भी रिसीव हुआ है, ये कुछ ऐसा है, सेम है, ये डिटेलिंग है, चेन की डिटेलिंग है यहाँ पर, ऐसे दी गई हुई है, सो दैट यू नो यू कैन कैरी इट लाइक दिस। ये इयररिंग्स और मांग टीका का सेट है, गोल्डन मेटल का बेस है, और यू नो ब्यूटिफुल सा ये कुंदन का वर्क हुआ हुआ है, एंड दिस सेट विल गो विद एनी एथनिक वेयर, मे इट बी लहंगा, मे इट बी कुर्ती, मे इट बी गाउन, और मे इट बी अ साड़ी, ये आपके लुक को रॉकिंग बनाने वाला है। आप सिर्फ ये इयररिंग्स और मांग टीका पहन के जाइए, आपको कोई भी और एक्सेसरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये बहुत 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 लाइट वेट हैं, सो पूरा दिन पहन के घूमिए यार, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये ब्यूटीफुल सा लुक भी आप पूरे दिन कैरी कर सकती हैं। नेक्स्ट जो सेट है वो कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में आया है, ये बॉक्स पैकेजिंग में आया हुआ है, आप देख सकती हैं, प्लास्टिक का ये बॉक्स है। सो ये सेट जो है ये एक लेयर्ड नेकलेस है, आपने ये कई जगह देखा होगा, कई सारे यूट्यूबर्स को पहने हुए, कई सारे सेलिब्रिटीज़ को पहने हुए, ये आपने ज़रूर देखा होगा। वाओ,
इसके साथ ये कुछ इयररिंग्स रिसीव हुए हैं इस तरीके के, आप देख सकते हैं, आप देख सकती हैं कुंदन का वर्क हुआ हुआ है और ये नीचे पर्ल की डिटेलिंग है। अजीमो शान शहनशाह फरवार वा हमेशा हमेशा सलामत रहे। भाई देखो ये सेट पहन के मेरे को तो रॉयल क्वीनों वाली फीलिंग आ रही थी। एंड यू कैन सी योर सेल्फ कि हाउ ब्यूटिफुली दिस सेट कैन चेंज योर मिनिमल सा आउटफिट का लुक इनटू अ रॉयल ब्यूटिफुल प्रिंसेस क्वीन वाला लुक। आराम से आप इसको साड़ी लहंगेज के साथ कैरी करिए और ये आपका लुक बहुत ही ब्यूटिफुल बनाने वाला है। गले में चुभता नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है, सो यू नो आप पूरा दिन इसको कैरी करिए विद नो प्रॉब्लम। तो ये था आज का वीडियोस अबाउट ज्वेलरीज। सो इन केस आपने कोई मिनिमल सा आउटफिट चूज़ किया अपने फंक्शन के लिए, तो मैंने जो भी ज्वेलरीज दिखाई इसमें से कोई भी ज्वेलरी आप सिलेक्ट करके आप अपना आउटफिट इन्हांस कर सकती हैं एंड योर लुक टू। सो मीशो में प्रोडक्ट के लिंक्स नहीं होते, सो आई विल प्रोवाइड यू द कोड्स इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। और जो अमेजोन से मैंने परचेज की है ज्वेलरी उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो एंड मैं आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ हेल्पफुल और यूज़फुल टॉपिक के साथ। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर योर फैमिली टू। बाय।